ओ शिट, इस क्वार्टर का कोटा तो आज ही पूरा हो गया है, कल क्या करेंगे? सोचना होगा। फोन करते हैं। अरे किसका फोन? हाँ यमदूत, बोलो। सर हमारे यहाँ पृथ्वी लोक से कुछ और लोग आए हैं। अरे ये तो अधिक गंभीर प्रश्न है, लेकिन आज के लिए क्या करें? यमराज से मिलना ही होगा। अब तक कुछ, अरे नहीं, कैसे, यमराज से मिलना ही होगा। अच्छा अच्छा, चित्रगुप्त इतना चिल्ला क्यों रहे हो? यमराज जी, आपने धमाका सुना क्या? मेरे हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना से तो मेरे को मालूम है, धमाका यमलोक में नहीं पृथ्वी लोक में हुआ है। चलो उसको उठा ले आते। यही तो बड़ी दिक्कत है। क्या क्या बताऊं यमराज जी, आजकल पृथ्वी लोक पर इतनी आकस्मिक मौत हो रही है कि उसका लेखा जोखा रखना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज देर रात तक ऑफिस रुकना पड़ रहा है। घर में बीबी भी परेशान है। आजकल क्या हो रहा है पृथ्वी लोक पर? लोग इतने लापरवाह क्यों हो रहे हैं? कल मैंने रेल के हादसे में 150 लोग उठाए और गाड़ी पीते मदिरा पीकर लोग गाड़ी चला रहे हैं। रेल की पटरी क्रॉस करते समय हजारों लोग मर रहे हैं। और आजकल तो पृथ्वी लोक पर सेल्फी का नया नाटक चालू हुआ है। जवान लड़के लड़कियां मर रहे हैं। यमराज जी, हम उनकी आयु सीमा बढ़ा सकते हैं क्या? क्योंकि इतने सारे लोगों को यमलोक में रखने के लिए अपने पास पर्याप्त जगह भी नहीं है। ठीक है चित्रगुप्त, तुम्हारे परेशानी का हल निकालना होगा। आओ ढूंढते हैं। चलो 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 ढूंढते हैं। कंपनी वाले लोग हैं। ये है वेल्डर, ये सुपरवाइजर, ये इंजीनियरिंग ऑफिसर, ये और ये है सेफ्टी ऑफिसर। यम है हम है यम। बताओ ये हादसा कैसे हुआ? क्या बताओ महाराज, जैसे ही मैंने वेल्डिंग चालू किया एक धमाका हो गया। सुपरवाइजर ने बोला जल्दी काम करो। महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे तो ऊपर से बताया था। कोई भी हाल में ये काम आज पूरा करना है। ऑफिसर से बताया था महाराज। महाराज मैं जो भी काम करता हूँ वर्क परमिट सिस्टम से ही करता हूँ, और ये काम शुरू करने से पहले सेफ्टी ऑफिसर को मैंने घास लेने के लिए बोला था। इसमें मैंने क्या गलती की महाराज? महाराज मैंने सुपरवाइजर से बोला था जब तक मैं ओके नहीं देता काम शुरू नहीं करना। शांत हो जाए। अब मुझे बताओ, आप लोगों को कंपनी में सेफ्टी का नॉलेज दिया जाता है कि नहीं? फिर भी इतना बड़ा हादसा, इसका मतलब आप लोगों को जो चीजें सिखाई जाती है उसका पालन आप अपने काम में करते नहीं। आप वेल्डर हो? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश, आपने वेल्डिंग करते समय अपनी जगह का निरीक्षण नहीं किया था, वेल्डिंग मशीन को प्रॉपर अर्थिंग नहीं लगाई थी। आप सुपरवाइजर हो? महाराज मेरा नाम रामलाल महाराज। क्या आपने अपने स्टाफ को सेफ्टी की ट्रेनिंग दी थी? भूल हो गए महाराज, जल्दबाजी में रह गए। जल्दबाजी, स्टाफ को सेफ्टी की ट्रेनिंग देना अनिवार्य है। सही बात है एकदम। आप कौन हो? अभियंत्रिकी ऑफिसर महाराज। क्या आपने जॉब करने से पहले वर्क परमिट सिस्टम अपनाया था? वो मैंने बोला था, लेकिन वो कौनसे भी काम में जॉब शुरू करने से पहले वर्क परमिट सिस्टम अपनाना जरूरी है। ये सर सेफ्टी ऑफिसर है। हाँ, मेरा नाम सुरेश है। क्या आपने जॉब करने से पहले गैस रीडिंग ली थी? महाराज वहाँ गैस रीडिंग मीटर ही नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। अबे गप्पू,
तो उनसे भी हॉट क्षेत्र में काम शुरू करने से पहले गैस रीडिंग लेना बहुत जरूरी है, इतना भी नहीं जानता है। और हाँ, इक्विपमेंट सेफ्टी का हो या अपने काम का, अपनी अपनी जगह पे होना बहुत जरूरी है, समझे? हाँ तो पृथ्वी लोग के मानो, ये हादसा सिर्फ आपकी और आपकी लापरवाही से हुआ है। क्या आपको पता है इस संसार से आपके जाने से आपके घर वालों पे क्या बीतती होगी? आपके बीवी बच्चे कितने परेशान होते होंगे, आपके माँ बाप क्या सोचते होंगे, इस उम्र में उनको आपके सहारे की सख्त जरूरत होती है। नुकसान नुकसान नुकसान, कंपनी का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान, और इसकी वजह सिर्फ आप ही आप है। यमराज जी, यमराज जी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मौका दूंगा लेकिन इतने आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। काम करते समय हमेशा सुरक्षा का ख्याल रखोगे। कार्यस्थल में जाने से पहले हार्ड हैट पहनोगे, सेफ्टी शूज पहनोगे, सेफ्टी बेल्ट पहनोगे, और ऊंचाई में काम करने से पहले सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है चित्रगुप्त, तुम्हारे समस्या का हल हुआ है, क्योंकि परफेक्शन ही संसार का नियम है। इन लोगों को यमलोक से मुक्त किया जाए। पृथ्वीवासियों, जाओ जाके जश्न मनाओ। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुरक्षा नीति को हमेशा अपनाना, वर्क परमिट टूल बॉक्स स्टॉक पर ध्यान देना, बड़ी आपत्ति को हमेशा दूर रखना, माचिस लाइटर मोबाइल गेट पर रखना, अनसेफ टैग देखो तो तुरंत रोकना। सेफ्टी शूज हेलमेट बेल्ट जरूर पहनना, औजारों की सही देखभाल करना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुरक्षा नीति को हमेशा अपनाना। मेरे साथ बोलो सुरक्षा है प्रथम, याद तुम रखो सुरक्षा को हरदम, सुरक्षा है प्रथम, याद तुम रखो